मरियम के मेरा वेट गेन हो गया है। हाँ सही बात है, इतना तो खाती हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका आयशा लाइफस्टाइल में। तो आ गई हूँ मैं आज एक न्यू वीडियो के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने इंस्टा को फॉलो करें, ऊपर आईडी नजर आ रहा होगा, और मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो ये है कि गर्मी आ चुकी है और सर्दियां जा चुकी हैं, पर अभी तक मैं अपने गर्मियों के कपड़े नहीं निकाल सकी। और आप सोच रहे हैं पहन क्या रही थी, थोड़े से कपड़े थे मेरे बाहर थे तो मैं वही यूज़ कर रही थी, अब खत्म हो चुके हैं। बार बार एक ही मैं कपड़े पहन, जैसे ये ड्रेस है मेरा, ये बाहर पड़ा हुआ था तो मैं यही पहनी जा रही थी। तो और मरियम मुझे बोल रही थी कि आयशा प्लीज़ न्यू कपड़े पहनो, तो मैंने सोचा कि अपने कपड़े निकालूं। बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाला मतलब कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल काम, पूरा दिन लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं ज़रूर करूंगी और मरियम मेरी हेल्प करेगी हमेशा की तरह। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, जब गर्मी सर्दियाँ आई थी तो गर्मियों के कपड़े पैक किए थे हमने, और जो सर्दियों के कपड़े थे वो निकाले थे और गर्मियों के पैक किए थे। अब है गर्मियों के कपड़े निकालने हैं और सर्दियों के कपड़े पैक करने हैं। तो मरियम आ जाएं आप, चलो मैंने बैठी है सामने, तो मैं सोचा आज ये काम करती हूँ और भी बहुत कुछ दिखाऊंगी कि आज क्या हो रहा है सारा दिन। तो चलें फिर चलते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो कैमरा मरियम को पकड़ाऊंगी, मतलब मोबाइल मरियम को पकड़ाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि क्या हाल हुआ आज मेरी वार्डरोब का। बुरा हाल हुआ है क्योंकि मैं सेट नहीं कर सकी और बीच में न्यू कपड़े आ गए जिसकी वजह से सारी मिक्सिंग हो गई है, गर्मी और सर्दियों के कपड़े मिक्स हो गए। अब मैं निकालती हूँ अपने गर्मियों के कपड़े। चलें तो आ चुकी हूँ, ये देखें आज करती हूँ मैं ओपन। ये देखें क्या बुरा हाल हुआ है मेरी वार्डरोब का। ये देखें सर्दियों के कपड़े अब निकालती हूँ और उसके बाद सारी सेटिंग करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि कितना बुरा हाल हुआ है। मुझे बहुत मतलब बिजी थे, कभी कोई शूट चल रहा था, कभी कोई बुला रहा था अपने व्लॉग के लिए, तो ये काम नहीं हो सका। तो आज पूरा दिन मैंने सिर्फ अपनी वार्डरोब सेट करनी है। चले ये देखें सारे कपड़े अपनी आ चुकी है, इस तरह तो व्लॉग नहीं बन सकता मेरे से। ये देखें सारे कपड़े सर्दियों के बैठ पड़ते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा मुझे फीवर रहा है तो कहीं घूम फिर नहीं सकी ना। ये देखें ये जो पहन के बंदा जाता है, कहीं ड्रेस कुछ भी पहन सकी, सारे इस तरह रहेंगे। तो सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, ये देखें विंटर के सारे कपड़े। और ये देखें ये वो क्या कर रहे हो? ये वो कर रही हूँ मोमना, जो मुझे पहले कर लेना चाहिए था 1 वीक पहले, पर अब कड़ी इतनी गर्मी आ चुकी है और कपड़े में 1 वीक पहले तो बहुत ठंड, इतने मेरे कपड़े हैं मतलब कोई कपड़ा नहीं बाहर, थोड़े एक दो कपड़े थे। और अब जो मैंने न्यू लेवल पहनना स्टार्ट किए हैं, मरियम मुझे कहती है आशा न्यू कपड़े पहनो हमारे व्लॉग्स में आओ, आप भी कह रही होती रेडी हो जाओ कभी किसी की सहरी में, किसी की सारी मेरे पास यही बस ड्रेस था दुपट्टे वाला जो मैं सहरी में पहन सकती, बाकी सारे मेरे ऊपर है सूटकेस में है। अब क्या करना, अब मैं कर लेंगे सूटकेस, वो हमेशा की तरह पहले मैं और हम मिलके बनाते थे वीडियोस आशा मोमना में, सूटकेस निकालने लगी और फिर वही काम होता है, कभी अंदर निकालते हैं गर्मियों में, सर्दियों के अंदर पैक करते हैं, गर्मियों के बाहर निकालते हैं वही। और आज मैं थक गई हूँ, देखो रोजे में कैसे करूंगी साथ, इजाफा हो गया बहुत कपड़े है, क्या करूँ बुरा हाल है। तो कुछ निकाल लूंगी इसमें से, मरियम निकाल के रखने हैं तो किसी को दे दूंगी मैं। चलिए जी अब करते हैं वही काम, आज मरियम आज देखो मरियम खाली कर दी मैंने, अच्छा किया आपने। और ये अम्मी के कहने पर आप देखते हो ऊपर ये वाला बंद करती हूँ जरा नीचे से, ये देखो बंद कर देंगे ऊपर ना ऊपर, ओए होए होए ये ऊपर ना ऊपर ना लगे हमेशा की तरह। ये देखो इतने गर्मी के कपड़े हैं, निकाल लो मरियम मैं तो परेशान हो गई, अब इसी में सर्दियों कपड़े रखने हैं वापस से। ये गर्मियों का जो सूटकेस निकल रहा है दूसरा, एक और है पीछे, भी बड़ी हमेशा की तरह तुम आती होती है मदद करने मेरी, और बाकी मैंने इधर रखे थे। अब इसी में ना जो सर्दियों की टी शर्ट है ना मैं इसमें रख दूंगी, ठीक है। ये भी है ये भी।
और लास्ट टाइम मेरा हैंड भी जा रहा था यहाँ, तो मैं मेरी मदद की थी, आज मेरे साथ मैं खुद ही डाल ली है। इस बार मेरा हैंड एक साल में लंबा हो गया। वैसे ही कह रही हूँ निकाल, बड़ा मुश्किल हुआ था लास्ट टाइम निकाल। हाय बढ़िया, सांस चढ़ गई है, बहुत गर्मी है आज, ऊपर से रोजा रोजे में बहुत मुश्किल हो रहा है। बस दुआ कीजिएगा ये काम मेरा हो जाए। गर्मी आ गई है, गर्मी मैडम आ गई है और यहाँ रखते हैं। ऐसी नीचे खाना ऊपर ना रखो, बैठ पे। मरी लास्ट टाइम भी मरी ने मेरी हेल्प की थी, आपने वीडियो देखी होगी। आज से मरी कहती मैं ही करूंगी हेल्प, मैं बहुत अच्छी है आज कल, मरी का मूड बहुत अच्छा है, तो फिर मेरा मूड अच्छा है आज, मैंने खुश है बहुत ज्यादा, क्योंकि मरी ने अपने सारे काम कम्प्लीट कर लिए, आज मरी का मूड अच्छा है। मैंने बताया यहाँ मूड अच्छा है, मेरे कोई काम अभी कम्प्लीट नहीं हुए, अभी शॉपिंग रह गई है। चलो मैं दिखाती हूँ जरा कि कैसे मैं सेट किया था, कैमरा लेके आप लोग। चलो मरी ओपन करते हैं, मतलब भूल भी गई मेरे घर में कौन से कपड़े थे मरियो, मुझे याद तो नहीं है। ओह ये दूसरा आप एक कपड़े वही हैं, अब तक चेंज नहीं हुए, मैं काफी चेंज हो गए हैं गर्मियों में, मेरे न्यू भी आए हैं। ये देखो खोलो, जो आपने कपड़े पहने भी नहीं हुए, तो जो नहीं पहने किसी को दे दो, जो नहीं न तो बहुत ज्यादा पहने हुए हैं। पहले कौन से जो कपड़े हैंग करूं, न्यू के जो इस सूटकेस से निकाल रही हूं, न्यू वाले हैंग करो पहले। न्यू वाला मेरे ये है, देखिए मैंने ओपन किया, इसका जो टैग है वो भी मैं उतार सकी। कब लिया था ये? ये लिया था अभी, तो लिया मेरी समर क्लैश में देखी आपने। अच्छा चलो इसको सेट करते हैं, पहले सारे इधर लगा दूं क्योंकि एक साथ जाऊंगी लेके। और दूसरा ये मेरी शर्ट आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, ये मैंने पहनी है, कब पहनी है ये? हाँ ये आना के व्लॉग में मैंने पहनी, जहाँ हम इटली गए थे, ये शर्ट तो पूछ रहे थे किस शॉप से ली, शॉप से ली निशात वीरन से ली है। ये देखें इस शर्ट को मैंने बड़ा पसंद किया है सबने, जो आमना ने मुझे गिफ्ट किया था बर्थडे पर। अच्छा तो ये निशात वीरन की है, आपको से लगी अच्छी है? तो मुझे ऐसा फील हो रहा है मरियम के मेरा वेट गेन हो गया। हाँ सही बात है, इतना तो खाती हैं आप, क्या हो गया ऐसा लगता है कुछ हो गया। ये देखें ये ड्रेस, इसको भी सेट करते हैं लगाते हैं, जो मैंने बर्थडे पे पहना था, ये बहुत ज्यादा पसंद किया सबने। थैंक यू सो मच कि आपको मेरी ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगती है, कुछ को अच्छी लगती कुछ को नहीं अच्छी लगती। अब जिनको नहीं अच्छी लगती मैं कुछ कर ही नहीं सकती, और जिनको अच्छी लगती है मैं खुश होती हूँ, और मुझे अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं जो भी कपड़े लेती हूँ वो मुझे मुझे लगता है कि अच्छे होते हैं। आपको क्या लगता है? अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं, साइज का मतलब पड़ जाता है, कभी स्मॉल कभी मीडियम साइज का, इस वजह से फिर मैं लेती नहीं हूँ। चले जी ये देखिए ये ड्रेस के पीछे ना मोल है, उसने मेरा गंदा कर दिया हुआ, वो कहती है मुझे ड्रेस दे दो मुझे ड्रेस दे दो, उसके पीछे होती है। अब दूसरे भी निकालो, एक और निकालो वहां से, दिखाना ये दिखाना। हाँ ये वाला, ये अनम ने जो दिया है, ये मुझे समझ आई गर्मियों में सर्दियों का, ये है नॉर्मल मौसम का। अच्छा इसको भी सेट करते हैं फिर, ये बहुत प्यारा है, ये अनम ने दिया, ये मुझे अभी तक पहना नहीं, और कोई फंक्शन होगा पहनूंगी ना, ये जाएंगे तो क्यों, रमजान आ गए थे ना इसलिए मैं पहन नहीं सकती। ये देखें ये ड्रेस काफ्तान आएंगे, और ये शर्ट जो मैंने पहनी ये भी आपने बहुत ज्यादा पसंद किया पर्पल, ये मरी ने मुझे गिफ्ट किए थे, तो ये मैं कपड़े यूज कर रही थी गर्मियों में, कब न्यू मतलब मिले थे जो, और खत्म हो गए हैं, मैंने सारे सेट कर दिए, न्यू कलेक्शन मेरी जो थी इसको मैंने सेट कर दी है, अब इसे मैं हैंग करती हूँ और लगाती हूँ। आए मेरे साथ चले सबसे पहले लॉन्ग वाले, देखे ना सबसे लॉन्ग फ्रॉक लगाऊंगी, लॉन्ग ड्रेस इस तरह देखें पहनूंगी, सर्दियों में ये था कि बहुत ज्यादा
मतलब शादियां थी सारी पूरा सर्दियां कम होती हैं सर्दियों में शादियों में मतलब जाते रहे शादियों कपड़ों का सोचती रही इसलिए पड़े रहते हैं। अच्छा। और दो शादी थी उसके बाद ना फीवर हो गया दो दफा तो कुछ भी नहीं पहन सके इस दफा विंटर के जो कपड़े थे ऐसे लगे रहे हैं पता आपके पास व्हाइट हैंगर है ये मेरी सिंगल शर्ट है इनका भी मैं एक सिंगल शर्ट को एक साइड पे करूंगी और ये जो लॉन्ग है इनको एक साइड पे करूंगी चले आप सारे कपड़े सेट करें फिर मिलते हैं तो ये देखो दोनों खाली कर दी बड़ी मैंने अच्छा किया चलो आप सारे कपड़े आज का दिन बहुत मुश्किल हो गया इतने ज्यादा कपड़े निकल गए देखो सेट करती है अभी अभी और भी आनी है यहाँ भैया अच्छा इतने सेट ये तो कितने और जो बाकी कपड़े थे ना मेरे गर्मियों के वो मैंने सारे हैंग कर दिए और जो टी शर्ट्स वगैरह की आप करनी है मरियम बाकी जो मेरे वेस्टर्न कपड़े सारे मैंने सेट कर दिए हैं अच्छा ये सारे मैंने सेट कर दिए टैची में और ये भी सेट हो गए देखो ये भी एक सेट हो गए ये भी सेट हो गए सारे आ ही गए हैं और कुछ नहीं है इसको मैं दूसरे चीजों जगहों में ढक रही हूँ बाकी मेरे इतने ज्यादा सर्दियों के कपड़े वो मैंने ऊपर ही नहीं गए इस साल कहाँ पे है ऊपर गैलरी में रखे हैं मैंने उन्हें ऊपर ही रहने दो आशा मेरे जैकेट्स मेरे कोट्स वगैरह उनको मैंने एक जगह बांध के रख दी हैं क्योंकि सर्दी इतनी कम होती है होती नहीं थोड़े एक दो महीने की सर्दी होती है इस बात तो जरा नहीं हुआ सर्दियों के कपड़े स्वेटर निकले के तौर पे जाते थे आउट ऑफ सिटी हाँ। तो फिर वो कपड़े मैं लेती होती थी तो इस साल तो हम गई दो साल हो गए तो कभी यूज ही नहीं हुई अब और ना लाहौर में गर्मी सर्दी पड़ती है ज्यादा इतनी सर्दी नहीं पड़ती इस साल पड़ी है पर इस साल मैं बीमार रही हूँ इस साल सर्दी पड़ी लेकिन ना पता क्या हमें हाँ बिजी थे चले मरियम हो गए ये सेट अप रखते हैं वहाँ हमेशा की तरह मतलब हर साल यही काम होता है ये दो सब रखते हैं सारे हैंग मैंने करती है ये मेरे जो मैं डेली शूट पर पहनने होते हैं कितने हैं सूट पता नहीं कितने हैं दिखो सोच दिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 हो गए 20 25 12 13 50 आपने लाजमी इस उम्र में ये पहनने हैं अभी और भी है अभी सेट करने 50 से ऊपर है 100 लगते हैं मुझे अच्छा अभी से और भी पड़े में दिखाती हूँ मैं ठीक है 100 है इस वक्त मैं भी आपको ना बताऊंगी मेरे कितने हैं समझ के जब वीडियो में शूट करूंगी इस मेरे आपसे कम ही होंगे चले वापस ऊपर जा रहे हैं टैची ऐसे ही कर दो ना ऊपर की तरफ हाँ ऐसे कर दो सीधा सीधा हाँ 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 कर दो हाँ ऐसे रख दो हाँ नहीं ऐसे पहले रख दो ना फिर बाद में सेट करना हाँ हाँ बस ऐसे ही थे ताकि जब हम निकालें तो इजी हो ऐसे भी थे इसे खड़ा कर देंगे ना बाद में पर ऊपर रख दो ना हाँ ऐसे हाँ वैसा कर दें सेट हो गया सेट हाँ ऐसे थे हाँ अब एक और रखूंगी हाँ दूसरा सूटकेस रखती हूँ ये भी ऐसे इस तरह आएगा ये भी इस तरह ही आ जाएगा हाँ आ गए चलो और भी एक चीज है बाहर रखने को भी देख लिया तो बाकी कुछ चीजें टी शर्ट वगैरह लॉन्ग टी शर्ट और साथ जो जीन्स वगैरह वो इसमें रख दिए मैंने क्योंकि उसमें फिट सूटकेस में आने नहीं हुई इनके मैंने लाल बना दिए चलो सही है अभी भी रखने हैं मैं तो टांग सकती हूँ मरीम अभी मेरी विंटर की जो चीज है ऊपर है मैं इस बार खोली नहीं इतना दुख हो रहा है मुझे ये और ये सारी मेरी पैंट्स और जीन्स वगैरह अच्छा हो गया आज तो बड़ा काम चलो और ये मेरी जैकेट है ऊपर कहाँ रखने जाऊँ अब गैलरी मैंने सोचा इसी में रख दूँ इधर रख दो ठीक है हो गया नहीं। हो गया बस चलो मैंने सेट कर दिए ऊपर रख दिए और ये देखा पीछे इधर भी रख लिया और इधर रखे मेरे बैग क्या क्या हाल हुआ फिर दोबारा से फिर खराब हो गए हाँ सब कुछ ये सब कुछ खराब कर दिया मॉल ने मेरा
बैक की फिर सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सारे कपड़े मैंने सेट कर दिए हैं, गर्मियों के निकाल लिए, हैंग कर दिए, और सर्दियों के सूटकेस में चलेंगे ऊपर बांध। ये देखें बेड बिल्कुल खाली हो गए, ये बच्चियाँ चीजें थोड़ी बहुत ये पड़े हुए, ये भी ऊपर रखने गैलरी में। 1 बजे स्टार्ट किया था मरियम और 4:25 हो चुकी। तो ये है मरियम, अस्सलाम वालेकुम। तो थैंक यू सो मच मरियम, आज आपने मेरी हेल्प की और फर्स्ट टाइम मरियम को जरा गुस्सा नहीं आया आज मेरे साथ हेल्प करते हो, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो आसान है ना, मैं हमेशा याद रखूंगी कि आज आपने मेरी बहुत हेल्प की है। अच्छा, आप गुस्सा ना किया करें तो हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी, कभी लड़ाई नहीं होगी। आपने खुद ही फैसला किया था कि मैं आपकी वीडियो में नहीं आ करूंगी, लोग इतनी बातें करते हैं। कहा है कि ना कि लोग मुझे कहते हैं आप ना आ करें, आप वीडियो में कहते हैं मरियम को ना लेके आ करें। तो बस अब आप आए करेंगे हम दोनों, और गुस्सा मरियम नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगी। मरियम गुस्सा करती है तो फिर मेरा मुंह ऐसा हो जाता है, मतलब बिहाइंड द कैमरा मरियम गुस्सा चढ़ाता है हमेशा, मरियम को जल्दी जल्दी होती है, जैसे मुझे गुस्सा चढ़ता वैसे मुझे नहीं चढ़ता। आज बहुत मजा आया ये वीडियो बनाते हो, जरा भी मुझे गुस्सा नहीं आना मरियम को, दोनों बिल्कुल लड़ाई नहीं बना हो जाती होती है। कपड़े सेट हो गए, मैं दिखाती हूँ, इधर आए। देखें जी, ये देखें मैंने सारी सेट कर दी है, ये देखें कुछ कपड़े मैंने यहाँ भी सेट किए हैं। ठीक है, सारे कपड़े देख ले हैंग हो चुके हैं, पूरे गर्मियों के कपड़े हैं ये, इसमें वेस्टर्न ईस्टर्न सब कुछ है, और साथ ही मेरी सारी जूतियां, चप्पल, सैंडल्स, हील्स, शूज सब कुछ है। चलें तो ये थी मेरी आज की वीडियो, छोटी सी मेरी वीडियो थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जो मैं कर रही थी मैंने सोचा व्लॉग बना लूं, और जिस अफ्तारी की है ना रूटीन वो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करी, क्योंकि हर वक्त मुझे कहा जा रहा है बस एक ही चीज दिखाने, अफ्तारी सहरी अफ्तारी सहरी। तो आज मैं अफ्तारी नहीं आपको दिखाऊंगी, पर आज वो अफ्तारी होगी पर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, पता नहीं कौन करेगा, किसी और ने व्लॉग बनाना होगा। तो ये थी आज की वीडियो, तो इसी के साथ एंड करते हैं, लाइक एंड शेयर करें और आशा लाइफ स्टाइल को जाकर सब्सक्राइब करें, और मेरे इंस्टा फॉलो ग्रुप राइट नजर आ रहा होगा, और बहुत जल्द आपको जबरदस्त व्लॉग्स मिलने वाले हैं मेरे, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी आने वाला है। तो वेट एंड वॉच, तो अल्लाह हाफिज।